I got guns in my head and they won't go. Spirits in my तो ये गाइस, ये सॉन्ग अब इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है। अगर तुम भी इस सॉन्ग पे रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसमें गाइस मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इस सॉन्ग के लिरिक्स वीडियो एडिट करके, जो तुम देख सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर जो लिरिक्स आती है, ठीक है, उसको तुम कैसे एडिट कर सकते हो वो भी बताऊंगा। और उसके बाद इसमें इसका वीडियो है जिसको तुम कैसे अपने वीडियो में एडिट कर सकते हो, वीडियो को एंड तक देखते जाओ। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लग चुका है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो वाटरमार्क है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब गाइस आपको क्या करना है, इस सॉन्ग को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, जो ये ट्रेंडिंग में चला है इसको आपको डाउनलोड करना है, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो तुम वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके यहाँ पे आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है, फिर से म्यूजिक पे क्लिक करके यहाँ से तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैंने इस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया। अब गाइज आपको क्या करना है, इस सॉन्ग में आपको बीट को ऐड करना है। गाइज बीट को मैं ऐड करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि देख सकते हो बहुत बार क्या होता है, जब भी हम लिरिक्स को ऐड करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाती है, तो अगर तुम इसमें बीट को ऐड करोगे फिर तुम लिरिक्स वीडियो को ऐड करोगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से ऐड हो पाएगी। तो इसलिए तुम्हें अपने म्यूजिक में बीट को जरूर से ऐड करना चाहिए। तो अब किस तरीके से कर सकते हो, तुम बहुत सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है, ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बीट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रही है उस सेकंड पे आपको यहाँ पे बीट को बुकमार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना, ठीक है गाइस। तो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पे बीट लग चुका है इस सॉन्ग में, देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस म्यूजिक में बीट को ऐड कर सकते हो। अब गाइस आपको लिरिक्स को लिखना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके टाइटल पे क्लिक करना है, और इस टेक्स्ट को आपको कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ तक आपका लास्ट वाला बीट है ना वहाँ तक लेके जाना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ तक लेके जाना है। अब गाइस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले बीट पे आना है, ये देख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको कट कर देना, मतलब कि स्प्लिट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं देख सकते हो सभी में कट लगा लिए। अब गाइस आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और जो भी आपको फर्स्ट वाले लिरिक्स दिख रही है स्क्रीन पे वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से तुम जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट वाले लिरिक्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है, और सेकंड दिख रही है वो आपको यहाँ पे सेकंड में, थर्ड वाली थर्ड पे, और फोर्थ वाली फोर्थ पे, तो इस तरीके से मैं ऐड कर लेनी है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी लिरिक्स को ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये देख सकते हो बहुत ही मतलब कि बड़ी बड़ी दिख रही है, तो आपको इनको छोटी करना है। तो किस तरीके से करोगे, आपको फर्स्ट वाले लिरिक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको फॉन्ट दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये फीचर वाला देता हूँ, ठीक है, हर वीडियो में, तो अगर तुम भी ये वाला देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। और गाइस ये तुम्हारे में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है कुछ इस साइज में हो गया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस साइज में कर लूँगा, ठीक है, ये वाले देख सकते हो इस वाली साइज में, ठीक है। तो इस वाली साइज में आपको भी कर लेना है। तो करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने फीचर वाला फॉन्ट को ऐड कर लिया, और इसकी साइज को मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10। तो तुम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, ज़्यादा बड़ी मत करना वरना वो स्क्रीन के बाहर चली जाएगी। तो आपको 10% नहीं करना है, फिर आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है, तो ये सभी में लग जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। अब आपको फर्स्ट वाले लिरिक्स पे फिर से क्लिक करना है, मोशन पे क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन में फेड वाला देना है, आउट एनिमेशन में फेड वाला देके अप्लाई टू ऑल कर देना है, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस ये हमारा काम आगे वाला कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हमने लिरिक्स को ऐड कर लिया है। तो अब गाइस बात करते हैं इसका वीडियो को तुम अपनी वीडियो में कैसे एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना है सबसे एंड वाले बीट पे, और आपको ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारी वीडियो प्ले होने वाली है। तो आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो इस भी वीडियो को तुम एडिट करना चाहते हो वो यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो को कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं करूँगा, तो गाइस देख सकते हो मैंने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है जिसमें मैं इसका वीडियो को ऐड करने वाला हूँ, तो ठीक है। तो इस यहाँ पे मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से तुम्हें इसका वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास इसका वीडियो नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो।
तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है pixels.com, ठीक है। और यहाँ पे तुम इसका वीडियो लिखना है, जो भी तुम लिखोगे तो तुम्हारे सामने देख सकते हो बहुत सारे इसका वीडियो आ जाएंगे। यहाँ से तुम जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और बड़े बड़े क्रिएटर भी इसी वेबसाइट से लेते हैं, तो तुम भी यहाँ से ले सकते हो। और दूसरी वेबसाइट का नाम है वीडियो, यहाँ से भी तुम ले सकते हो, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा MB में डाउनलोड होते हैं, तो तुम पिक्सल ले सकते हो क्योंकि पिक्सल बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ से तुम कोई भी इसका वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ से तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर तुम भी वो करना चाहते हो तो उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ से वो इसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते हो मैंने ये वाला इसका वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो क्रॉप कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा इसका थोड़ा ज़्यादा कवर हो गया था इस वीडियो में, तो मैं इतना कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको इसको मार्क्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, वरना तुम्हारी जो क्रोमा की है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसको क्या करना है गाइस, इसको तो जब भी तुम इसको करते हो ना, तो इसको आपको हमेशा ये जो नीचे वाला है ना, इसको आपको लाइन, ये जो लाइन आती है यहाँ तक ही रखना है, ठीक है। ये देख सकते हो जहाँ तक तुम्हारी वीडियो है ना वहाँ तक रखना है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो तक रख लेता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्रोमा की करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसका वीडियो को सही से एडजस्ट करवा लेता हूँ। ये देख सकते हो चुका है। अब आपको क्रोमा की करने के लिए आपकी वीडियो को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये देख सकते हो डुप्लीकेट वीडियो आ जाएगी, ये देख सकते हो। इसको आपको फॉरवर्ड करवाना है ऊपर, ठीक है, और अपने फिंगर से इसको आगे लेके जाना है। सबसे पहले ऊपर करना है, फिर ठीक है, फिर इसको आगे स्क्रॉल करना है और इसको यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। ये देख सकते हो, तो ये सही तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। अब आपको सबसे ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रोमा का, उस पर क्लिक करना है और ये जो सर्कल है इसको आपको यहाँ से रखना है, ठीक है। ये देख सकते हो जहाँ पे सही तरीके से ऐड हो रहा है वहाँ तक रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से ये ऐड हो चुका है, मेरी वीडियो के पीछे एकदम सही तरीके से ऐड हो चुका है। और अगर आपके ऐड नहीं होता तो गाइस नीचे में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसको तुम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर बढ़ाने से तुम्हारी वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से हो रही है तो तुम इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। माइनस करने से हो रही है तो माइनस कर सकते हो। तो गाइस इसको मैं रख लेता हूँ 35, ठीक है, और इसको मैं पूरा 0% कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, ये ऐड हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस एकदम परफेक्ट तरीके से ऐड हो चुका है, और एंड में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस मैं आपको पूरी वीडियो को एक साथ प्ले करके बताता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसको प्रीव्यू में लेके जाऊँगा, जिसमें मैं आपको फिल्टर के बारे में बताऊँगा, इफेक्ट के बारे में बताऊँगा और डस्ट के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तुम इस वीडियो को देख लो। गाइस एकदम परफेक्ट तरीके से ऐड हो चुका है। और गाइस यहाँ पे तुम एक इफेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जूम वाला दिया था अपनी वीडियो में, तो तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। जूम आउट, जूम इन वाला कोई भी दे सकते हो, और वरना तुम यहाँ पे एपेक्स पे क्लिक करके तुम ये जूम आउट वाला भी दे सकते हो, ठीक है गाइस, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी दे सकते हो। बट यहाँ पे मैं कोई भी नहीं देने वाला, ठीक है। ये एकदम अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको सभी को मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है गाइस, देख सकते हो। आपको इसको हमेशा बढ़ा के रखना है, फिर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं प्रीकल में आ चुका हूँ। फिर आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने अभी VN से एक्सपोर्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो रही है। तो गाइस इसका साउंड मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है, वरना आपको सुनाई देगा। तो अब आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस। और सबसे पहले आपको ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पे डस्ट को दे देना है, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, बट इसका फिल्टर है इसको आपको पूरा माइनस करना है, और इसका डिस्प्लेसन है इसको भी आपको माइनस कर देना है, और आपको राइट पर क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हो तुम्हारे वीडियो में जो है इफेक्ट लग चुका है डस्ट वाला, ठीक है। और गाइस मैंने ये वाला इनमें इफेक्ट बताया था आपको, देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा था, आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके रखना है, ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्टेलर का, ठीक है, ये वाला तुम दे सकते हो, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देख सकते हो गाइस स्टेलर वाला, ठीक है, इसको तुम अपनी वीडियो में दे सकते हो, देख सकते हो, मैं आपको अभी बताता हूँ।
तो ये देख सकते हो गाइस, स्टाइल वाला मैंने दे दिया, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो गाइस, एकदम ओपी तरीके से लग रहा है। और इसको तुम माइनस भी कर सकते हो। और गाइस ये देख सकते हो, अगर तुम इसको लगाओगे तो ये तुम्हारे लिरिक्स में भी ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम अपनी वीडियो में इसको लगा के एक्सपोर्ट कर लेना, फिर तुम VN में इसको लिरिक्स को ऐड कर सकते हो। बट गाइस देख सकते हो ये वाला इफेक्ट कितना अच्छा तरीके से इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, 50 कर लेता हूँ इसको मैं, फिर आपको मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपको फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से तुम कोई भी फिल्टर दे सकते हो, ठीक है। तो गाइस ज़्यादातर मैं ये वाला देता हूँ, ठीक है, ये वाला देख सकते हो जो फर्स्ट में आता है, ये वाला देता हूँ। और इसको तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा माइनस कर देना है। अगर बढ़ाओगे तो अच्छा लग रहा है तो तुम कर सकते हो, बट देख सकते हो गाइस बहुत ही हैवी लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ 30 तक, ठीक है। और एडजस्ट पे क्लिक करके मैं ये वाला जो मतलब कि इसकी सिचुएशन है इसको मैं 5% बढ़ा देता हूँ, 5 से 10। सिक्टोन को इसको मैं 50 माइनस करूँगा और इसको टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस करके, इसकी टिंट है इसको मैं 50 कर लेता हूँ, और शार्पनेस को मैं 10 तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और क्लियरिटी को 5 तक, और विग्नेट को मैं 50 तक कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। बस इतना ही आपको करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है गाइस। और गाइस ये एक्सपोर्ट होने के बाद मैं पूरी वीडियो को आपको एक साथ प्ले करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वीडियो बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं। तो देख सकते हो गाइस वीडियो कितनी ओपी बन चुकी है, तो इस तरीके से तुम अपनी वीडियो में इसको ऐड कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो